सबसे पहले बात होगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कानपुर में कृषि को लेकर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि को नई तकनीक से जोड़ना बेहद जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए नए शोध करें। योगी ने यह भी कहा कि अगर सार्थक नतीजे नहीं आए तो ऐसे केंद्रों पर पुनर्विचार किया जाएगा। शाम 4 से 5 बजे के बीच सीएम लखनऊ में विधायकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। जनपदों में जनपद मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई है और ये अनवरत जारी रहेगा। थोड़ी बहुत शिकायतें आ रही हैं, उसके भी समाधान के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। वह समय पर इसका निस्तारण करें और इस कार्य को समय पर करें। देश के विकास को पूरी तरह अवरुद्ध करने में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ा कारक है, लेकिन जब तक उसके लिए कोई नीति बनती है तब तक हम बैठे नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में हर जनपद में हम लोग एक नई कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कर देंगे। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की वहां पर जो उपस्थिति होती है वह एक औपचारिकता न हो। देखिए, जब आप किसी कार्य को औपचारिकता बना देते हैं तो फिर आपकी जो उपलब्धि होनी चाहिए वह सब मिट्टी में मिल जाती, समाप्त हो जाती। वहीं झारखंड के सीएम रघुवर दास ने आज रांची में मोदी फेस्ट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का बखान भी किया। भारत सरकार के अन्य हमारे मंत्रालय से काफी हमें सहयोग प्राप्त हुई है। आपने अभी देखा 3 मेडिकल कॉलेज दुमका, आप हजारीबाग एंड पलामू, जहां 30 साल के बाद 3 मेडिकल कॉलेज, आजादी के बाद झारखंड में 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, जहां हमारे 300 बच्चे ही पाठ्यक्रम पढ़ते थे, वहां इन 3 साल के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज, 70 साल में 3 मेडिकल कॉलेज, 3 साल में 3 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने देने का काम किया। उसी तरह अभी आपने देखा कुछ दिन पहले अनंत कुमार जी हमारे आए थे, केमिकल के लिए भी एक इंजीनियरिंग है सीपेट का, भी उन्होंने 52 करोड़ रुपया देकर योजना का शुरुआत किया, जिसमें 150 नौजवान नियुक्तियों को सीपेट के इंजीनियरिंग के माध्यम से रोजगार देने का काम हमारी भारत सरकार के द्वारा हो। तो वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज से होने वाला हिमाचल प्रदेश दौरा स्थगित हो गया है। सीएम राजे को आज हिमाचल के कांगड़ा पहुंचना था, लेकिन अब सीएम का दौरा स्थगित हो गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में ही मौजूद हैं। सीएम भोपाल से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज उस मामले को सुलझाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सीएम शाम 5 बजे रायसेन के बख्तरा जाएंगे और वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रात में सीएम वापस भोपाल लौटेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मोदी सरकार के 3 साल को लेकर बीजेपी के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मुंबई में शाम 6 बजे ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम फडणवीस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने आज सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इसके बाद बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में भी सीएम मौजूद रहे। आज सीएम रमन सिंह अमित शाह के साथ तमाम कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज दाहोद में हैं। यहां वो एक मेले में शामिल होंगे। इसके बाद दाहोद में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे। बीजेपी के आदिवासी नेताओं से रूपाणी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद रूपाणी राजकोट जाने वाले हैं। राजकोट में सीएम रूपाणी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और श्रवण यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के छात्रों से मिलने वाले हैं। ये वो छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए उत्तराखंड आए हैं। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है।
वहीं केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने आज विधानसभा के स्पेशल सेशन में हिस्सा लिया। मवेशियों की खरीद फरोख्त से जुड़े केंद्र के नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए यह सेशन बुलाया गया है।